तो हम तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। तो दो सिचुएशन है, अब मैं ग्राफ बनाते हूँ। ओके, तो मैंने दो ग्राफ बना दिए हैं, पहला एक इंक्रीज इन डिमांड के लिए, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड के लिए। तो मैं कर्व्स बना देता हूँ यहाँ पर सिंपल। दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। ओके, तो स्टूडेंट्स हम पहले सिचुएशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज यानी राइट वर्ड शिफ्ट, तो हम यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट दिखा देंगे। डी वन, और यहां पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो बढ़ जाएगा, यानी प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। अब इसकी सिचुएशन कैसी होती है मैं समझाता हूं। इमेजिन करिए एक सिंपल सा मार्केट था, लोगों के पास मान लीजिए 100 रुपीज थी और लोग 100 kg वीट खरीद रहे थे, यानी वीट की कीमत थी ₹1। अब हुआ क्या, लोगों की इनकम एकाएक बढ़ गई, यानी इनको बोनस मिल गया। इमेजिन करिए दिवाली बोनस, और लोगों के पास पैसे आ गए 200। अब लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे क्योंकि लोगों को ज्यादा सस्ते में मिल रहा था वीट। तो इसलिए अब हुआ क्या, उन्होंने 200 kg कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या, लोगों का डिमांड बढ़ा। तो लोग जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना फायदा उठाया जाए मार्केट का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दी ताकि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो सके। यानी जैसे ही डिमांड बढ़ा उन्होंने प्राइस बढ़ा दी ताकि डिमांड और सप्लाई एक जगह मीट हो, तो उनका प्रॉफिट हो जाए और क्वांटिटी ज्यादा तो बिक ही रही है क्योंकि इनकम उनकी बढ़ गई है। तो ये होता है सिचुएशन इंक्रीज इन डिमांड। अब आते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इमेजिन करिए लोग एकाएक बेरोजगार हो गए, नौकरियां छूट गई लाखों लोगों की, तो डिमांड ही घट गई, उनके पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने अपनी डिमांड ही घटा दी। तो अब होगा क्या, जो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था अब उसको तो मीट करना ही है, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस घटा दिया। यानी अब जो कंपनीज थी उन्होंने स्टॉक बना के तो रख दिया था, लेकिन लोग अब खरीद नहीं रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो कंपनी ने क्या सोचा कि हम घाटा नहीं कर सकते, हम थोड़ी सी प्राइस घटा देते हैं ताकि हमारा स्टॉक क्लियर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने प्राइस को घटा दिया, और प्राइस के घटाने से क्योंकि क्वांटिटी तो ऑलरेडी घटी हुई थी क्योंकि डिमांड कम हो गया था। तो ये होता है सिचुएशन डिक्रीज इन डिमांड। अब हम आते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा दूसरा टॉपिक है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, तो इसके लिए मैं भी दो ग्राफ बना देता हूँ, 0। ओके, तो अब एक नॉर्मल जो डिमांड कर्व सप्लाई कर्व हम बना देते हैं। अब पहले सिचुएशन आती है इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी, और सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी, मान लीजिए जो नॉन प्राइस फैक्टर है, इमेजिन करिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, यानी कंपनीज के पास जो प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी थी वो इंप्रूव हो गई। यानी पहले लोगों से काम करवाया जाता था, अब उन्होंने लोगों को हटा दिया और मशीन्स को ले आए। तो टेक्नोलॉजी जैसी इंप्रूव हुई उनका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो उनका स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा तो उनकी सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ी तो राइट वर्ड शिफ्ट आ गया यहाँ पर। अब हुआ क्या, ज्यादा ज्यादा स्टॉक आने लगा, लोग प्रोड्यूस करने लगे, सेलर बेचने लगे, और उनको देख के बाकी जो कंपनीज थी उन्होंने भी मशीन लिया। वो सोचे कि अगर ये मशीन ला सकते तो हम क्यों नहीं ला सकते, तो खुद मशीन ले आए। अब हुआ क्या, लोगों का स्टॉक बिक नहीं रहा था क्योंकि स्टॉक ज्यादा ही प्रोड्यूस कर डाला उन लोगों ने। तो अब होगा क्या कि जो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी आपकी,
उसे अचीव करने के लिए वापस उन्हें प्राइस घटाना पड़ा, यानी उन्हें प्राइस घटाना पड़ा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी थी। प्राइस उन्हें घटाना पड़ा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी थी, स्टॉक ज्यादा हो चुका था, लोग खरीद नहीं रहे थे, तो उन्होंने प्राइस को P1 से P2 कर दिया, यानी कम कर दिया। ये सिचुएशन आ गई, ये देखिए। और क्वांटिटी वो तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है क्योंकि सप्लाई बढ़ चुकी थी। अब हम दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई, अब डिक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा, इसके एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई, जैसे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। अब हुआ क्या, तो स्टूडेंट जब बाढ़ आ गई तो फसलें तबाह हो गई, यानी जो सेलर्स थे फूड ग्रेन्स के, वीट राइस वगैरह, उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो फसल बर्बाद होने से सप्लाई कम हो गई मार्केट में, यानी सप्लाई कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब हुआ क्या, सप्लाई तो कम हो गई लेकिन लोग तो उतने ही हैं, लोग तो दाल चावल खाएंगे, उन्हें तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दी क्योंकि उनके पास सप्लाई कम थी, तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दी ये सोच के कि चलो हमारे पास सामान कम ही बचा है और खरीदने वाले कितने सारे हैं, तो क्यों ना मुनाफा कमाया जाए। तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे ऊपर उन्होंने प्राइस बढ़ा दी क्योंकि क्वांटिटी घट चुकी थी। प्राइस बढ़ा दी क्योंकि क्वांटिटी घट गई थी। ये होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई हो गई। और काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कंक्लूजन काफी अच्छा लिखना है। यानी अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट विल हैपन इफ सप्लाई इंक्रीजेस और सप्लाई डिक्रीजेस, अब डायग्राम तो बना देंगे, अब ग्राफ में शो कर देंगे, लेकिन उसका कंक्लूजन काफी अच्छे से लिखिएगा। उसमें बताइएगा कि द एंड रिजल्ट विल, प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल डिक्रीज, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट विल ट्रांसफर फ्रॉम E1 to E2। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था E1, यहां पर नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो ट्रांसफर हो जाएगा यहां। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन के आखिरी में लिखनी पड़ेगी, कंक्लूजन। ये जितना भी चैप्टर है वो कंक्लूजन बेस्ड पे है, यानी जब आप आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो डायग्राम देख के तो चलिए आपको नंबर दे देगा, आधे देगा, लेकिन आपने जो कंक्लूजन लिखा कि क्या इफेक्ट हुए आफ्टर इफेक्ट्स, यानी चाहे डिमांड चेंज हुआ चाहे सप्लाई चेंज हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए वो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बात बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली हो, यानी डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट सिचुएशन है, डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो अभी इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये ग्राफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी एक जो नॉर्मल डिमांड कर्व थी वो भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे कि डिमांड बढ़ गई, लोगों के पास इनकम ज्यादा हुई, लोग ज्यादा कंज्यूम करने लगे, तो जो बाकी फर्म्स थे उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना प्रोड्यूस करें, हम भी अपना मुनाफा कमाएं, हम भी इस मार्केट में कूदते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो हुआ क्या, जो प्राइस थी इक्विलिब्रियम प्राइस वो तो चेंज हो गई, मगर मैं माफी चाहूंगा, प्राइस तो सेम रही लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई, Q1 से Q2 में आ गए हम, यानी प्राइस उतनी रह गई लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई। जब डिमांड D से D1 गई और सप्लाई S से S1 गई, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E1 से E2 की तरफ शिफ्ट हो गया और चेंजेस हो गया, नो चेंजेस इन प्राइस बट चेंजेस बट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी Q1 से Q2 की तरफ आ गई। ये सिचुएशन होता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ते हैं।
लेकिन अब आप पूछेंगे हो सकता है डिमांड सप्लाई अलग अलग रेट से बढ़े, डिमांड की बढ़ने की रेट इंक्रीजिंग हो, सप्लाई की बढ़ने की रेट डिक्रीजिंग हो, तो उसका हम कैसे देखेंगे? ओके स्टूडेंट्स, तो मैम हम देख चुके हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी एक साथ बढ़ती है तो क्या इफेक्ट होता है ग्राफ में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिमांड बढ़ती है लेकिन डिमांड का बढ़ने का रेट ज्यादा है और सप्लाई भी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई का बढ़ने का रेट कम है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्राफ में? ये यूनिट्स, ये है प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ता है तो प्राइस चेंज नहीं होता लेकिन क्वांटिटी जरूर बढ़ जाती है। ओके नाउ, तो अब हम देखेंगे कि डिमांड बढ़ तो रहा है लेकिन डिमांड की बढ़ने की रेट है वो ग्रेटर है सप्लाई की बढ़ने के रेट से। यानी फॉर एग्जांपल ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व, दिस इज डी डी एस एस। अब हम इसको बढ़ाएंगे, डिमांड कर्व को बढ़ाएंगे, सप्लाई कर्व को बढ़ाएंगे, लेकिन डिमांड कर्व को हम ज्यादा रेट से बढ़ाएंगे ताकि ये इस्टेब्लिश हो सके कि हाँ डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है। तो आइए, ये है डिमांड कर्व, मान लीजिए हम इसको इतना बढ़ाते हैं और सप्लाई कर्व को भी बढ़ाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम, रेट कम रहेगा ये। अब देखिए डिमांड कर्व की बढ़ने की रेट ज्यादा है, डिमांड बढ़ा तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ लेकिन डिमांड कर्व ज्यादा रेट से बढ़ा जबकि सप्लाई कर्व कम रेट से बढ़ा, तो सिचुएशन क्या होगी? अब देखिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था जो कि था E1 में, वो शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट टू E2 और आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? P1 ट्रांसफर हो जाएगी P2 में, यानी प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब ये होता क्या है दोस्तों, कब होता है ये सिचुएशन? याद रखिए जैसे इनकम है, इनकम बढ़ी तो लोगों का डिमांड बढ़ा है। मान लीजिए इनकम पहले 100 रुपीज थी लेकिन अब इनकम हो गई सीधे 500 रुपीज, लेकिन जब फर्म्स ने देखा कि लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लगे, लेकिन एक साथ उतने फर्म नहीं आ पाए, टाइम लगता है फर्म स्टैब्लिश करने में, कंपनी बनाने में। तो जब पहले 100 kg वो वीट सप्लाई कर रहे थे लेकिन वो अभी सिर्फ 300 kg वीट सप्लाई कर पा रहे हैं, यानी जो डिमांड का बढ़ने का रेट था वो ज्यादा था जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, हालांकि सप्लाई वो तो नहीं बढ़ा पाए क्योंकि उनके पास ज्यादा उतने ही रिसोर्सेस थे, कंपनी स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, लेकिन डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया और लेकिन क्वांटिटी बढ़ी लेकिन क्वांटिटी कम बढ़ेगी। याद रखिएगा प्राइस ज्यादा बढ़ेगी, क्वांटिटी कम बढ़ेगी, ये सिचुएशन होगी इसमें। अब हम देखेंगे कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड का रेट कम है, तो क्या सिचुएशन होगी? ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई का बढ़ने का रेट ज्यादा है डिमांड से, तो अब कैसे हम इसे शो करेंगे? ग्राफ से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, यूनिट्स, प्राइस। ओके, ये है एक नॉर्मल डिमांड और सप्लाई कर्व। अब डिमांड जो कि है डी, ये सप्लाई। अब देखिए होता क्या है, डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई का रेट बढ़ने का रेट ज्यादा है तो हम उसे और ज्यादा बढ़ाएंगे, लाइक दिस। अब देखिए हुआ क्या, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था E1 पर वो शिफ्ट हो जाएगा E2 पर, प्राइस घट जाएगी लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस घट जाएगी लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। याद रखिए जब सप्लाई का रेट ज्यादा होगा लेकिन डिमांड कम होगी। अब ये सिचुएशन होती क्या है, देखिए इमेजिन करिए डिमांड बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीदने लगे और उसे देखकर एकाएक कंपनीज ने धड़ल्ले से प्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करते गए, मशीनरी खरीद ली, वो खरीद ली वगैरह वगैरह।